एनआई कॉम्पिटेटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं भौतिक विज्ञान की खोजें। मैं आपको सारी खोज क्रम से पढ़ा रहा हूँ, एक ट्रैक से पढ़ा रहा हूँ, आप बस देखते चलो, याद तो हो ही जाएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की खोज किसने की थी? गुटेनबर्ग। आप कभी प्रिंटिंग प्रेस पे गए हो कुछ छपवाने के लिए, कार्ड वगैरह, फ्लैक्स वगैरह? वहाँ से जैसे ऐसे पहले इधर से आती है मशीन, छाप के चली जाती, फिर उधर जाती। बोले क्या कह रहे हो? बोले प्रिंटिंग प्रेस चल रही, गुटुर गुटुर कर रही है, इधर से आई फिर गुटुर कर दी, फिर उधर से आई फिर गुटुर कर दी। क्या कर रही? गुटुर गुटुर, मतलब गुटेन बर्ग। ठीक है, आगे बात करते हैं रेजर विद्युत। अब आप सेविंग करवाने के लिए गए, उसने रेजर लगाया लाइट में और भयंकर चला दिया आपके चेहरे पर। आप वहां से निकलने के बाद इस तरीके से करोगे, यार सेक दिया। क्या कर दिया? सेक दिया, पूरे गाल सेक दिए। सेकने से क्या बना? जेके ऑफ सेक। क्या कर दिया? सेक दिया। अब जैसे आप देखा होगा आपने कि जो सेफ्टी रेजर होते हैं वो जिलेट ब्रांड के भी आते हैं, तो क्या रहा? किंग जिलेट। सेफ्टी रेजर किसका रहा? किंग जिलेट। क्लियर है? रबर पौधों का दूध। देखो अब हमने पढ़ाया था आपको साइकिल के टायर डनलपुर बने, तो आप अब टायर रबर के ही बनते हैं, तो डनलप का नाम तो आए ही आएगा। तो रबर पौधों का दूध किसने? डनलप रबर कंपनी। ठीक है, आगे बात कर रहे हो रबर टायर किसने बनाया? थॉमस हॉर्नबॉक। अब देखो जैसे एक बंदा, अब इसकी ट्रिक बता रहा हूं आपको, भयंकर रट रहा है, तो वो क्या कह रहा था? बोले रटा था, रटा था। र से क्या बना? रबर। टायर से क्या बना? टा से टायर। था से क्या बना? थॉमस हॉर्नबॉक। कब रटा था? बोले रज में। कब रटा था? रज में। रज मतलब होता है धूल मिट्टी उड़ के आ रही है और वो बंदा सड़क पे बैठ के रट रहा। तो अब जो लोग निकल रहे हैं वो कहेंगे, बोले इसका ईयर जो है ना वो गुड रहना चाहिए, बंदा रज में रट रहा। रटा कहां पर? रज में। तो उसका ईयर कैसा होना चाहिए? गुड। इतनी पढ़ाई कर रहा है तो परीक्षा में अच्छे नंबर आना चाहिए। रज क्या बना? रबर। जैसे क्या बना? जलरोधी। कैसा रहना चाहिए ये? गुड ईयर। क्लियर है? ठीक है, आगे बात करते हैं रिवाल्वर। अब देखो हम आपको बता रहे हैं, अभी ऐसे यहाँ की बात की थी प्रिंटिंग प्रेस, ऐसे महसूस करना है। रिवाल्वर का बोले कोल्ट दबा दिया ट्रिगर को। क्या बोलोगे? रिवाल्वर का कोल्ट दबा दिया। कोल्ट मतलब सैमुअल कोल्ट। क्लियर है? आगे बात करते हैं रिकॉर्ड की खोज किसने की? डॉक्टर पीटर गोल्डमार्क। अब कोई बंदा कह रहा है, बोले हमारा रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड को क्या पढ़ना? बोले रिकॉर्ड है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं, बोले हमारा रिकॉर्ड है कि हमेशा हम गोल्ड लेके आते हैं। हमेशा क्या लेके आते हैं? गोल्ड। डॉक्टर साहब ने क्या कहा था कि हमारा रिकॉर्ड है हमेशा गोल्ड लेके आते, तो क्या बना? डॉक्टर पीटर गोल्डमार्क। क्लियर है? ठीक है, आगे लिफ्ट यांत्रिकी। अब आप जैसे हॉस्पिटल में जाते हो उसमें लिखा रहता है लिफ्ट के ऊपर, क्या लिखा रहता है? डॉक्टरों के लिए, मरीजों के लिए, बाकी सब चढ़ाव से जाओ। तो बोले अब ओटी में ले जाना है बंदे को, तो किससे ले जाएंगे? लिफ्ट से। ओटी से क्या बना? ओटिस। एलिसा ओटिस। क्लियर है? आगे बात करते हैं लिनोलियम। फ्रेडरिक वाल्टर। अब देखो आपने टीवी पे देखा होगा एक एड आता है जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति, उस साबुन सर्प का आता है, ठीक है, क्योंकि दाग तो उसी से छूटते हैं साबुन सर्प से। एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता है जो मिठाई लेके जाता है। अब चढ़ाव को उतरते हुए बच्चे मिलते हैं, वो उनसे एक दूसरा लेके ऊपर तक पहुंचाते हैं, उन बच्चों के सर कपड़ों पे दाग लग जाते हैं, ठीक है। तो वो जो बुजुर्ग व्यक्ति थे वो कहते हैं आराम से लो। अब देखो आप बाल्टी भर के लाए हो, क्या भर के लाए हो? बाल्टी। किसी ने आपसे ली तो ले, फैलना नहीं चाहिए। देखो आपको लेना है नियम से, लेना है नियम से, क्या? बाल्टी। फैलना नहीं चाहिए, तो लिनोलियम फ्रेडरिक वाल्टर। क्लियर है? लेना है नियम से, फैलना नहीं चाहिए, बाल्टी से, नियम से लेते जाओ, ठीक है। थर्मस फ्लास्क। अब देखो आप जैसे, ये तो पानी की बोतल है, पर आपने देखा होगा कि कई ऐसे थर्मस रहते हैं जिनमें गर्म पानी गर्म बना रहता है, अगर गर्म भर दिया, ठंडा भर दिया तो ठंडा बना रहे, तो आपको क्या बोलना है?
बोले यार इसकी दीवार कितनी मजबूत है, क्या कहोगे इसकी दीवार धर्म, इसको क्या समझना है थर्मस प्लास, बोले इसकी दीवार कितनी मजबूत है, तो दीवार से क्या बना देवा, क्लियर है। साइक्लोट्रॉन की खोज किसने की थी, लॉरेंस ने। अब देखो एक कोई व्यक्ति कह रहा है बोले साइकिल से लासन क्या ट्रॉन कुछ मंगा रहे हो तो क्या कहोगे, बोले साइकिल से लासन ट्रॉन, ठीक है। जेट इंजन की खोज की थी फ्रैंक वीटल ने, जेट इंजन की खोज किसने की थी फ्रैंक वीटल ने। अब देखो इसको कैसे समझना है, जैसे कई बच्चे कोचिंग आते हैं वो सब अपना अपना व्हीकल लेके आते हैं, व्हीकल को क्या पढ़ना व्हीकल, क्या क्या लेके आते हैं व्हीकल। अब वो सब कोचिंग में आकर दोस्त बन गए, सब फ्रैंक वहां हो, हमने कहा भाई लोग आप अपने अपने व्हीकल मत लाया करो, सब मिलके एक जेट खरीद लो, और जेट से आए तो जेट इंजन की खोज किसने की फ्रैंक वीटल ने। देखो सब अपने अपने व्हीकल लेके आते हैं उसकी वजह जेट से आ जाओ, जेट इंजन की खोज फ्रैंक वीटल ने। स्कूटर आपने देखा होगा, स्कूटर से जैसे बाइकों से रैली निकलती रहती है, रोड शो चलता रहता है, तो बोले स्कूटर से कर रहे हो रोड शो, रोड शो मतलब ब्रांडसा, ठीक है। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चले, इसके बाद आगे चलते हैं। माइक्रोमीटर की खोज किसने की थी, विलियम कोजी। अब जैसे आप घर पे आए, आपके घर पे कोई मीटर लगा के गया, आप अपनी माताजी से पूछ रहे हो बोले माई को मीटर लगाने आया, माई ने कहा बेटा कोई जैनी करके था, कोई जैनी आया था कह रहा था बिल कम आएगा, तो विलियम कोजी, क्लियर है। आगे बात करते हैं लोकोमोटिव, रेल के लिए बात कर रहे हैं। अब जैसे आप रेल से सफर करते होंगे तो रेल कहीं पर खड़ी हो गई, तो आप सोचते होगे बोले यार लगता है ट्रैक ठीक नहीं है, थोड़े बहुत तोतलेपन पर भी बोलना है, ट्रैक ठीक नहीं है, ट्रैक ठीक से क्या बना ट्रैक इज थिक, क्लियर है। आगे बात करते हैं रेडियो, अब आप बैठे हुए हो और कोई बंदा रेडियो चला रहा है, आपको नींद आ रही है, डिस्टर्ब हो रहे हो, आपने उसमें कौन ही मार दी, मारकोनी। रेडियो टेलीग्राफ की खोज किसने की थी, मारकोनी। प्रिंटिंग टेलीग्राफ की खोज किसने की थी, डेविड एडवर्ड ह्यूज ने। आप कह रहे हो बोले टेलीग्राफ आया है, बोले हम आपका थोड़ा प्रिंटिंग यूज कर ले, यूज कर ले मतलब क्या बना यूज। प्रोपलर जलयान की खोज किसने की थी, फ्रांसिस स्मिथ ने। अब देखो स्मिथ फंस गया था, फंसने से क्या बनाना फ्रांसिस स्मिथ फंस गया था कहां पर, जलयान पर, बोले प्रॉपर तरीके से उसको निकालो, इसमें तो फंस गया तो जलयान पर प्रॉपर तरीके से उसको निकालो, तो प्रॉपर जलयान की खोज किसने की थी, फ्रांसिस स्मिथ ने। आगे पेनिसिलिन की खोज किसने की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। आगे जब मैं कुछ और खोज पढ़ाऊंगा तब आपको एक ट्रिक बताऊंगा, देखो यहां लिख देता हूं, पीए की वैल्यू होम्योपैथी में है, होम्योपैथी में है, देखो किसी की वैल्यू कहीं ना कहीं होती है, तो पीए की वैल्यू कहां है, हम पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये आगे लिखूंगा बताऊंगा आपको इस टॉपिक की नहीं इसलिए, बाकी खोज जरूर है। बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहॉक, यहां सुन के भी याद कर सकते हो, बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहॉक। होम्योपैथी की खोज हैनीमैन, होम्योपैथी की खोज ऐसे क्या बना हैनीमैन, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर की खोज की एमी होप ने, और माइक्रोस्कोप की खोज की जॉनसन। अब देखो जैसे किसी स्कूल में कोई बंदा पढ़ा रहा है, उसका बेटा भी उसकी स्कूल में पढ़ता है और उसी क्लास में, अब वो जो टीचर है वो अपने बच्चे पे ज्यादा ध्यान दे रहा है, ये बात प्रोफेसर को पता चलती है, प्रोफेसर उस टीचर को समझाएंगे कैसा मत करो सब बच्चों पे ध्यान। देखो एक टीचर बोल रहे थे बोले जान सन, अपने बेटे को क्या कह रहे थे, बोले जान इसको जानो सन, ये माइक्रोस्कोप है, इस चीज में बहुत स्कोप है, बोले माइक्रोस्कोप है इसको जानो सर। जब तक प्रोफेसर आ गए, उन्होंने कहा था ऐसा नहीं है ऐसा किया करो, आई होप आपको समझ आया होगा, ऐसा एम ही होप, क्लियर है।
माइक्रो प्रोसेसर, समझ गए। आगे बात करते हैं हेलीकॉप्टर प्रारूप की खोज किसने की थी, लाउन बाय एवं बेन बेन, ठीक है। अब देखो हेलीकॉप्टर का प्रारूप बनाना है, तैयार कर रहे हो आप, बना रहे हो, तो आप कहोगे लाओ उसको, लाओ उसको, लाओ उसको, बोले लाओ बाय बेन, किसी जैसे बोल रहे हो, बोले लाओ उसको बेन, लाओ बाय बेन, क्लियर है। अब जब तक आप बना रहे थे प्रारूप, जब तक हेलीकॉप्टर मानव ने चला दिया, पूरा सही तरीके से जुड़ा नहीं था और उसको फोड़ दिया, मन फोड़, क्लियर है। हेलीकॉप्टर चल ही बन ही रहा था जब तक मानव ने आगे चला दिया, वो पूरा फोड़ दिया, मन फोड़। न्योन लैंप की खोज की थी जॉर्ज क्लार्क ने, ठीक है। अब जैसे कोई बंदा आया और लैंप को ऑन कर रहा था, तो आप क्या कह रहे हो, जॉर्ज आया और लैंप को ऑन कर रहा था, आप क्या कह रहे हो, नी ऑन होगा लैंप, जॉर्ज क्यों, बोले अभी इसमें कलर किया है, कलर 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 किया है, कलर सूख जाएगा, लैंप ऑन हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रक्षेपास्त्र, प्रक्षेपास्त्र आप जानते हो जैसे कि अस्त्र वगैरह रहते हैं, अब आपको तो थोड़ा सा बस उसी को रामबाण को समझ लो, आप प्रक्षेपास्त्र जैसे चलाए दिवाली को आग लगाते हो, कभी अगर ज्यादा धूल मिट्टी में गाड़ देते हो तो वहीं रह जाता है और उसमें से जो रोशनी निकली उसे आपका हाथ जल गया, बर गए, ठीक है, तो क्या बना, बर्न बॉन ब्रॉन। आगे बात करते हैं टेलीग्राफ यांत्रिक एम लेमन और टेलीग्राफ कोड सैमुअल मोर्स, ठीक है। टेलीग्राफ आया था यंत्र पर, ठीक है, टेलीग्राफ आया था यंत्र पर, वो बच्चा बता नहीं रहा था, माने उस बच्चे को रिमांड पर ले लिया, रिमांड पर, लेमांड माने किस पर ले लिया, रिमांड पर, तो लेमांड। आगे क्या कहा था, बोले सैमुअल कोड बताओ तुम, दूसरे बेटे से क्या कहा, बोले इसको तो ये तो बताया नहीं रहा, तो इसको रिमांड पर ले लिया, बोले सैमुअल तुम कोड बताओ कि इसका कोड क्या है, पासवर्ड, ठीक है। तो टेलीग्राफ कोड की खोज किसने की, सैमुअल। टेलीफोन और माइक्रोफोन दोनों की खोज किसने की थी, ग्राम बेल। ग्रामोफोन की खोज किसने की, थॉमस अल्वा एडिसन। टेलीविजन की खोज, यांत्रिक की खोज किसने की थी, जेल बेयर्ड ने। अब ये तो आप बहुत पहले से जानते हो, टेलीविजन की खोज जेल बेयर्ड ने की। और टेलीफोन इलेक्ट्रॉनिक की खोज किसने की थी, टेलर फारंसवर्थ ने। इसको कैसे, ये तो आप पहले से ही जानते हो, इसको ऐसे बोले टेलीविजन लेना है, बेटा कहता है मेरे को तो इलेक्ट्रॉनिक वाला चाहिए, उससे उसके पिताजी ने कहा या तो तुम टेलर से कपड़े सिलवा लो, हम तुम्हें बर्थडे पर, फारेंस पर, बर्थडे पर या तो टेलर से कपड़े सिलवा लो या तुम्हें फिर टेलीविजन दिला देते हैं इलेक्ट्रॉनिक पर, क्लियर है दोस्तों। बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया गया है, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करो, धन्यवाद।